गाइस, जैसे कि आपने अभी सिनेमैटिक शॉट्स देख लिए होंगे, ये एक्सर का मॉनिटर जो कि 32 इंचेस का है। एंड गाइस, लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये बहुत धांसू मॉनिटर है। एंड अगर से आप इसकी प्राइस की बात कर लिया जाए ना गाइस, इसकी प्राइस के हिसाब से ये नेक्स्ट लेवल का मॉनिटर हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइस है विथ ये बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट फीचर्स को यहाँ पर हमें अवेलेबल करता है, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात बन जाती है लो बजट गेमर्स के लिए, क्योंकि बजट गेमर्स को उतना अच्छा मॉनिटर नहीं मिलता गेमिंग कर सके। तो इसीलिए बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा मॉनिटर होगा, क्योंकि बजट गेमर्स उतना बड़ा मॉनिटर नहीं खरीद सकते। बट गाइज, ये बिल्कुल अच्छे स्पेसिफिकेशंस हमें यहाँ पर अवेलेबल कर देता है विथ लो प्राइस, तो यहाँ पर बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मॉनिटर में निकल कर आ जाता है। तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, अगर से हम इसके लुक्स एंड डिजाइंस के बारे में बात किया जाए, तो गाइज इट इज कूल ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, अगर से हम इसके बेजल्स के बारे में बात किया जाए ना गाइज, लिटरली यहाँ पर कोई बेजल्स ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हो कि मैंने भी स्टार्टिंग में इसे बेजल ही समझा था, बट यहाँ पर कोई बेजल नहीं है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सिर्फ वो पतली सी लाइन है, जो आपको ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिल जा रही है, वो बेजल नहीं है, वो डिस्प्ले है। सो वो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से वहां पर वो डिस्प्ले सेट हो चुका है, जो रिमेनिंग है वो ब्लैक कलर का स्ट्रिप बनकर आ चुका है, बट वो कोई बेजल नहीं है, मींस यहां पर नो बेजल है। एंड अगर से हम नीचे चिन के बारे में बात किया जाए, वहां पर छोटा सा थोड़ा मोटा सा बेजल देखने को मिल जाता है, जो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, उतना बड़ा है नहीं। सो बहुत अच्छा हमें यहाँ पर लुक वाइज देखने को मिल जा रहा है, बेजल्स बहुत पतले देखने को मिल जा रहे हैं। एंड गाइस, अगर से हम इसकी इंच यानी इसके साइज के बारे में बात किया जाए, तो आपको यहाँ पर अराउंड 31.5 इंचेस यानी अगर से हम देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 32 इंच का देखने को मिल जा रहा है, विच इज बिगर यानी बहुत बिगर हो चुका है। 32 इंचेस यानी एक 32 इंचेस के टीवी के बराबर हो चुका है। सो बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर से हम इसके रेजोल्यूशन के बारे में बात किए जाए, तो आपको यहाँ पर फुल HD यानी 1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जा रहा है, नो 2K नो 4K, विच इज क्वाइट बेटर फॉर लो एंड बजट गेमर्स। सो बहुत अच्छा है बजट गेमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस कम लगा रहे हो तो उतना ही आपको मिलेगा। मीन्स यहाँ पर अभी तक इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा मॉनिटर निकल कर यहाँ पर आ जा रहा है। एंड गाइज, अगर से हम इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात किया जाए, तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक HDMI पोर्ट एंड VGA पोर्ट, DVI पोर्ट एंड एक आपको मॉनिटर का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 4 पोर्ट्स देखने को मिल जा रहे हैं। सो गाइज, अगर से हम बॉक्स के कंटेंट के बारे में बात किया जाए, तो पहले तो आपका स्टैंड देखने को मिल जाएगा मॉनिटर का, एंड दूसरा आपको वो स्टैंड का लकड़ी जिसपे आपका मॉनिटर जो है उस पर टिकेगा, एंड आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ब्रेडेड केबल है, एंड ये चार्जर नहीं है, ये तो हमें पता है पावर देगा हमारे मॉनिटर को। एंड गाइस, ये स्टैंड देख पा रही हो, बिल्कुल बूमरैंग की तरह लग रहा है, आप इससे खेल भी सकते हो बूमरैंग। एंड अगर से हम इस कवर्स के जो कि बॉक्स में निकले, जो कि हमें पता है ये केबल्स है, तो ये पहला केबल तो हमें यहाँ पर VGA का केबल देखने को मिल जा रहा है। सो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट है, तो आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर से हम दूसरे केबल के बारे में बात करें, तो ये HDMI का केबल है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा खासा केबल है, दोनों के दोनों अच्छे क्वालिटी के, एंड ये आउटपुट है, सो बहुत अच्छे क्वालिटी के है। एंड गाइस, अगर से हम इसके बटन के बारे में बात कीजिए, तो पीछे की साइड आपको ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जा रहा है, बाकी के बटन मुझे मत पूछिए, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से तो साइड में लिखा हुआ देना चाहिए था कौन से बटन का कौन सा इस्तेमाल है, तो वहां पर कुछ लिखा हुआ दिया नहीं, एंड मैंने अभी तक उसे यूज करा नहीं, तो मुझे पता नहीं कि वो किस लिए दिए गए। एंड गाइस, इस मॉनिटर की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक कर्व डिस्प्ले है, यानी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये कर्व है, आई थिंक सो उसे थोड़ा और कर्व होना चाहिए था, बट ये उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें बजट के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये कर्व इनफ है गेमर्स के लिए, उतना ज़्यादा कर्व नहीं है, बट कर्व इज देयर, सो मिनिमम कर्व है जो कि हमें अच्छा सा व्यूइंग एंगल देता है। एंड गाइज, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको AMD का फ्रीजिंग देखने को मिल जा रहा है, यानी गाइज आपका अगर से प्रोसेसर AMD का है ना गाइस, तो आपका जो PC यानी आपका जो मॉनिटर है बिल्कुल फास्ट चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर AMD का फ्री सिंक देखने को मिल जा रहा है। सो बहुत अच्छी बड़ी बात बन जाती है AMD यूजर्स के लिए, अगर से आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर से नहीं भी करते हो, तो ऑल्सो दिस विल बी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको
यहाँ पर सारे फीचर्स अवेलेबल हो जा रहे हैं। एंड गाइस, मॉनिटर में सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको यहाँ पर 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, विच इज एवर नेवर, यानी मैंने कभी तक ऐसा देखा नहीं इतने बजट में आपको 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको इस वाले मॉनिटर में 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, सो विच इज़ बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। सो बहुत अच्छी बात है एंड बजट गेमर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सो बहुत बढ़िया मॉनिटर निकल के आ जा रहा है बजट गेमर्स के लिए। एंड गाइस, अगर से हम इसके रेस्पॉन्स टाइम के बारे में बात कीजिए तो आपको यहाँ पर 5 मिलीसेकंड्स का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जा रहा है, विच इज़ क्वाइट बेटर अगर से हम इसके प्राइस के हिसाब से देखा जाए। एंड गाइस, अगर से हम इसकी ब्राइटनेस के बारे में बात कीजिए तो आपको यहाँ पर 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जा रही है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट बेटर। सो अगर से मीन्स इसका प्राइस अराउंड 16,000 के आसपास मैंने इसे ख़रीदा है एंड अमेजोन से ख़रीदा है, तो इसका प्राइस कभी भी वैरी हो सकता है, आपको कितने में भी पड़ सकता है, 20,000 का भी पड़ सकता है, मुझे तो 16,000 का अराउंड पड़ा था, आपको कितना भी पड़ सकता है। सो विच इज़ क्वाइट बेटर फॉर बजट गेमर्स, हुआ तो भी 17 या 18 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट अभी तो स्टॉक नहीं है, मैं आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, अगर से वो अवेलेबल है तो आप उसे बुक कर सकते हो। सो गाइज, अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।